आपने जो 3 महीने, तो मान लीजिए 4 संहिता में चले गए, मगर जो 15 महीने की सरकार रही, इससे जनता को कुछ ना कुछ तो पता होगा कि हाँ कमलनाथ जी ने क्या कार्य किया है, राहुल गांधी जी की ने क्या कार्य किया है, उनकी सरकार कैसे थी। इसी तरह बिल्कुल अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 18 साल से मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या वो पहले से कोई योजना लागू नहीं कर सकते थे? अभी जो लाडली बहना योजना है, तो उन्होंने ये चीज क्यों उठाया मुद्दा? क्योंकि उनको पता है कि बिल्कुल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं भी हैं और हमको उन्हीं से जीतना है, इसलिए चुनाव चालू होने के पहले उन्होंने ये योजना उठाई। अभी हाल में ही परसों उन्होंने क्या किया कि 450 रुपए में सिलेंडर की योजनाएं लगवाई। तो मेरा मानना यही है कि किसी ना किसी तरह से लाभ कम दे रहे हैं, वो अपना प्रचार प्रसार उस माध्यम से ज्यादा कर रहे हैं कि हमको वोट दे। अगर देखा जाए तो कमलनाथ जी भी इतना अपना प्रचार नहीं कर रहे जितना कि बीजेपी सरकार कर रही है, या गली गली जाकर लोगों से हाथ जोड़कर जैसे लोग भीख मांग रहे हैं उस तरह की।